जी रफी साहब, यहाँ पर क्या हुआ था? अंजर साहब, शुक्रिया आपके चैनल का और आपका। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस फक्सू में 300 घर जो हैं वो बिल्कुल एक घर से एक घर लगा हुआ है। इतनी कंजक्शन है कि इधर सूरत नहीं थी कि गांवों को बचाने की। मैं सबसे पहले मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरी तरफ से यहां के नौजवानों को मुबारकबाद है, जिन नौजवानों ने आज इस गांव को बचाया है और जिसमें उन्होंने अपनी जान को हाथ में रखकर और सीधे आग में कूद पड़े वो नौजवान यहां के, जिन्होंने यहां इस आग को बुझाया है। जो हमारे काजी साहब निसार साहब का 40 लाख का ये जो यहां पे बिल्डिंग थी राख हो गई है, लेकिन बिजली शॉर्ट होने की वजह से, और मेन मसला जो है वो बिजली शॉर्ट हो गई और उसकी वजह से मकान जल गया। मैं एक बार फिर यहां के नौजवानों को, अगर फायर सर्विस में आज यहां के नौजवान होने चाहिए थे, जिन नौजवानों ने यहां आज खून की बाजी और अपने जान की बाजी लगा के इस मकान को बचाया, बल्कि मकान को नहीं बल्कि पूरे गांव को बचा दिया है। और मैं बावर करना चाहता हूं, मुझे FIR की कोई परवाह नहीं है। अगर रोड यहां ठीक नहीं हुई, हमने आज तक आंसू के खून के आंसू रोया है, हमने बार बार बताया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने गवर्नर साहब को बताया है, हमने तमाम मीडिया को बताया है कि एक बार हमारी रोड को ठीक करो। अगर फिक्सू के लोग बिगड़ गए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, मैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कहना चाहता हूं कि अगर फिक्सू के लोग बिगड़ गए, हम FIR से किसी वक्त भी घबराते नहीं है। हमारे ऊपर FIR लग जाए, कितनी भी FIR लग जाए, अवाम के लिए लग जाए, ऐसे मसलों के लिए लग जाए, इसमें दो राय नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यह बात करना चाहता हूं कि क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें सर्टिफिकेट दे दो, यहां से निकालो, अगर हम पाकिस्तानी हैं, वरना हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, आज तक रहे हैं और हिंदुस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हमें सर्टिफिकेट दिया जाए। क्यों नहीं हमारी रोड बनती है? क्यों नहीं हमारा अस्पताल बनता है? क्या वजह है? हमने किया क्या है? हमने कौन सी इतनी खता की है? हमारा इस वक्त पूरा गांव जल जाता अगर यहां के लोग इकट्ठे ना होते। यहां की मिसाल है, इससे पहले भी मिसाल रह चुकी है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर ने मिसाल कायम कर दी। हमारे नौजवानों ने, हमारे अवाम ने, हमारी पब्लिक ने यहां आज मिसाल कायम कर दी है, दिखा दिया है। ठीक है, हमारे फायर सर्विस के लोग यहां आए, वो कैसे जल्दी पहुंचते। मैंने SHO साहब को फोन किया, उसने फोन रिसीव किया। मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव किया, लेकिन फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते? एक मिनट, फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते? जब रोड ठीक नहीं है तो फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते? मैं कहना चाहता हूं यहां के SDM साहब को, उसका फोन जो था वो उस वक्त और जिस वक्त SDM को मैंने फोन किया, SDM साहब को, उस वक्त वो ड्यूटी पे थे, उस वक्त टाइम 4 से पहले था वो टाइम, लेकिन उस वक्त SDM का
फोन सुचा पा रहा था। क्या हमारे घर जले, हमारी दुनिया जले, हम नौजवान मरे, यहाँ के पब्लिक मरे और हमारे एसडीएम साहब स्विच ऑफ रखे, ये कौन सा इंसाफ है? लिहाजा हम ऐलान करते हैं आप मीडिया के थ्रू से, अगर रोड का काम दो दिन के अंदर नहीं लगा, जिस तरह ये आवाम यहाँ जमा हो गई, आप तैयार है सारे? तो उस वक्त कोई नहीं हमें रोक सकता है, इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है, इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। मैं अंदर साहब, हमारी आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ अबाबील वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो तमाम लोगों से पहले यहाँ आ चुके, एक बार फिर मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ की एक जाति को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ की पब्लिक को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ की माओं और बहनों को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ के तमाम इलाके की आवाम को मुबारकबाद करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्त अपनी जान को हाथ में रख कर, अपने जान को आग में कूद कर इस मकान बल्कि पूरे इलाके को बचा दिया है। तो यही मेरा मैसेज है। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएमजीएसवाई जी, यहाँ पर क्या हुआ था? अस्सलामु अलैकुम, आप मीडिया का शुक्रिया है कि जो आप यहाँ पर पहुँचे हो। जो यहाँ पर इस वक्त फायर इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है इसको आग बुझाने में, लेकिन सबसे लापरवाही यहाँ पर है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि मैं इसके लिए पहले भी 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ एसडीएम ठाठरी को और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि जो जंगलवाड़ से लेकर के फक्सू का रोड है ये बिल्कुल सिंगल रोड है और इसमें 2 जगह ऐसी है कि यहाँ पर गाड़ी आना बहुत ही मुश्किल है। और इस वक्त भी अगर रोड सही होती और 10 मिनट के अंदर फायर सर्विस यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन रोड ठीक न होने की वजह से, जो लापरवाही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि इनके लिए हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम शेम करते हैं कि जिसकी वजह से ये जो इस वक्त बिल्डिंग बिल्कुल राख हो चुकी है, लगभग 30 से 40 लाख का जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसकी जिम्मेवारी जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी को है, जबकि मैंने खुद रिटर्न में दिया है एसडीएम ठाठरी को भी और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है रोड की वजह से अगर कल फायर इंसिडेंट होता है कि यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर फक्सू है और ये कंडीशन है इस तहसील फक्सू हेडक्वार्टर की रोड की कंडीशन। पर लोगों ने जो कॉपरेशन किया है पूरे, बल्कि तहसील फक्सू की नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ पर टाइम से पहुँच गए हैं और हर एक जवान, बूढ़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक और लेडीज माएँ बहनें जितनी भी है, उन्होंने इसमें पूरा पूरा ताउन दिया है आग बुझाने में। हम पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और